हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर मोटिवेशन। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। आइए एक इम्पैक्टफुल कहानी सुनते हैं, जिससे हम सब जानेंगे कि कैसे हमारे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार की बात है, एक बड़ी कंपनी के ओनर किसी काम पर निकल रहे थे कि किसी वजह से उनका मूड खराब हो गया और वो गुस्सा होने लगे। वो गुस्सा उन्होंने अपने कंपनी के मैनेजर पर उतार दिया। अपने मैनेजर को कैबिन में बुलाकर उसे बुरा भला सुनाने लगा। मैनेजर एक शरीफ एम्प्लॉय होने की वजह से कुछ नहीं बोला। वो बॉस की बात सुनकर शांत रहा और अपना काम करने लगा। पर घर जाते वक्त उसने भी अपना गुस्सा बेवजह गार्ड पर उतार डाला। गार्ड मैनेजर की बातें सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा कि मेरी कोई गलती ना होते हुए भी मुझे क्यों डांटा गया। इस मूड से वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी ने उसकी मनपसंद सब्जी नहीं बनाई थी, तो वो अपना गुस्सा अपनी बीवी पर उतारने लगा। उसकी बीवी को कुछ समझ नहीं आया और वो कहने लगी कि आप पूरा दिन बाहर रहते हो और रात को घर आकर लड़ रहे हो, ऐसा क्यों? गार्ड परेशान होने की वजह से कुछ नहीं बोला और सोने चला गया। बीवी ने अपने बच्चे को शरारत करते देखा, वो उसके पास गई और उसे मारने और डांटने लगी। माँ से पिटाई खाने से बच्चे को भी गुस्सा आ गया और वो घर से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने एक कुत्ते को देखा और उसे बहुत तेजी से एक पत्थर मारा। कुत्ता दर्द के मारे जोर जोर से भौंकने लगा और गुस्से में आकर उसने एक आदमी को काट लिया। क्या आप जानते हैं कि वो आदमी कौन था? वो आदमी उस कंपनी का ओनर था जिससे ये सारी कहानी शुरू हुई थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपना कर्म अच्छे से करना चाहिए और दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। क्या पता हमारे बुरे कर्म का फल हमें कैसे मिले। इसलिए अच्छे कर्म करिए और अच्छा जीवन व्यतीत करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।